हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर चैप्टर इलेवन द टाइटल इज सेव वाटर सेव लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ़ द लेसन द लेसन वाज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग मयंक रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज कजन प्रिया एंड ही गिव्स अ रिप्लाई टू हर मतलब ये जो लेसन है ये लेसन आपको जैसे हम लेटर लिखते हैं इंग्लिश में उस लेटर स्टाइल में लिखा हुआ ये चैप्टर है और इसमें मयंक को अपनी कजन प्रिया से उसकी जो चचेरी बहन प्रिया है उससे उसको एक लेटर मिलता है और वो फिर इस लेटर का रिप्लाई देता है तो ये जो लेसन है वो उसी लेटर का रिप्लाई है इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी दैट वाटर इज़ एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ सर्वाइवल देयर वुड बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमिटी एंड एनिमल काइंड As we call as we all know that entire earth consists of 71% water, out of which only a small percentage is drinkable fresh water. It is therefore very essential to save water to save life. Means इस लेसन के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो पानी है वो जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है और पानी के बिना ना तो मानव जाति और ना ही जो पशु हैं वो उनका जीना संभव ही नहीं है और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है पृथ्वी पे सेवेंटी वन परसेंट पानी है लेकिन उस सेवेंटी वन परसेंट में से केवल थोड़ा सा ही परसेंटेज पानी का ऐसा है जो कि पीने लायक फ्रेश पानी है और यही रीज़न है कि हमको पानी को बचाना होगा और अगर हमको जीना है तो हमको पानी को बचाना होगा ओके नाउ कम टू द समरी ऑफ द लेसन मयंक लिव्स इन अ विलेज एंड हिज विलेज इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर मयंक जिस गांव के अंदर रहता है उस गांव के जो लोग हैं वो पानी की समस्या को पानी की समस्या का सामना करते हैं सो द विलेजर्स दिस टाइम डिसाइड टू सेव द रेन वाटर ड्यूरिंग रेनी सीज़न इसीलिए गांव के लोगों ने इस बार ये सोचा कि वो जब बारिश का मौसम हो मौसम आएगा तो इस बार वो बारिश के पानी को सेव करेंगे उसको बचाएंगे। दिस न्यूज़ पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर एट दिस कंसर्न मैटर हिज कज़न प्रिया राइट्स अ लेटर टू मयंक एंड देन मयंक रिप्लाइज टू हर और ये जो खबर थी कि वो पानी के सीज़न में पानी को बचाएंगे ये खबर एक न्यूज़पेपर में आ गई और बाद में उसी कंसर्न मैटर को लेकर मयंक की कजन प्रिया ने मयंक को लेटर लिखा और मयंक ने फिर उस लेटर का रिप्लाई दिया ओके okay, देखते हैं क्या होता है आगे एट फर्स्ट वी एप्रिशिएट्स एट फर्स्ट ही एप्रिशिएट्स प्रिया दैट ही रीड्स द न्यूज़पेपर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द थिंग गोइंग अराउंड देन ही टेल्स हर दैट ही अटेंडेंट द अटेंडेंट द इनोग्रेशन फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन हिज विलेज सबसे पहले तो वो क्या करता है प्रिया को एप्रिशिएट करता है उसकी तारीफ़ करता है कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ती हो अच्छी बात है इससे हमें अपने आसपास की जो भी खबरें होती हैं उनके बारे में पता लगता है और फिर वो आगे अपनी बात को बताता है कि उसके गांव में एक फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन पानी को संरक्षित करने के लिए पानी को बचाने के लिए एक फ़ंक्शन का इनोग्रेशन हुआ था वो उस फंक्शन में गया उसने फिर ये बताया उसको उसने अटेंड किया he explaining uh, the mean of conservation that it means to save something and water conservation means that we should save rain water in the river ponds well and we should use less water सबसे पहले तो वो क्या करता है first question ये आता है कि conservation का मतलब क्या होता है तो वो बताता है कि जो कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना फिर वो देन वाटर कंजर्वेशन तो पानी को कंजर्व करने का क्या मतलब है तो वाटर कंजर्वेशन का मतलब होता है कि बारिश का जो पानी होता है उसको हम uh, नदियों में तालाबों में कुओं में इन सब में हम उस पानी को सेव करें और कम पानी का उपयोग करें ओके देन देन ही सेज दैट वी गेट लेस रेनफॉल एवरी ईयर ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ़ फॉरेस्ट फिर वो बताता है कि हमको हर साल पानी की जो मात्रा है बारिश के पानी की मात्रा वो कम हो रही है क्यों कम हो रही है क्योंकि हम निरंतर पेड़ों को काट रहे हैं जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं तो पानी कहाँ से आएगा इट अफेक्ट्स द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन अफेक्ट्स ड्यू टू दिस एंड वी फेस शॉर्टेज ऑफ फूड और इन सब का जो प्रभाव पड़ रहा है पानी ना पड़ने का जो प्रभाव पड़ रहा है उसका सीधा सीधा असर हमारे कृषि भूमि पर जाता है जो अनाज हम लगाते हैं वो अनाज नहीं होता है पानी की कमी से तो हमको फिर भोजन की कमी का सामना करना पड़ता है एज़ अ रिजल्ट पीपल माइग्रेट टू द सिटीज़ एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ वर्क एंड इट अराइज मैनी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उसके बाद फिर वो बताता है कि जब लोगों के पास गांव में करने के लिए कुछ नहीं रहता जब उनकी खेतियां बर्बाद हो जाती है तो गांव के जो लोग हैं वो सिटी की तरफ माइग्रेट होते हैं माइग्रेट मतलब पलायन करते हैं वहां जाते हैं और दूसरे कस्बों में जाकर वो काम ढूंढते हैं इससे क्या होता है जो दूसरी सिटीज़ होती हैं जो दूसरे टाउन्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है भाई वहाँ इतने लोगों को अचानक से रोजगार कहाँ मिलेगा तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है further he says that it is our duty to aware people to face this problem government aware people to save every and each drop of water most of rain water flows down the rivers and mingles in the sea and remains unused we should store water at different levels <coughs> <coughs> फिर वो बताता है कि हमको क्या करना चाहिए कि हमारा मोरल ड्यूटी है हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम पानी की जो समस्या है उसके बारे में लोगों लोगों को जागरूक करें सरकार तो लोगों को जागरूक कर रही है वो बार बार लोगों से कह रही है कि आप पानी की एक एक बूंद को बचाइए और हमने देखा भी है कि जो अधिकतर जो बारिश का पानी होता है वो वो नदियों में जाता है नदी से फिर वो समुद्र में चला जाता है और अनयूज़ रहता है हम उसका कोई उपयोग ही नहीं कर पाते वी शुड स्टोर वाटर एट डिफरेंट लेवल हमको पानी को अलग अलग तरह से बचाने की कोशिश करनी चाहिए फर्दर ही एक्सप्लेन द वेज़ ऑफ वाटर कंजर्वेशन दैट फार्मर्स शुड बिल्ड मैदाबंद अराउंड द फील्ड्स डिग स्मॉल पॉन्ट्स ऑल वेल एंड पॉन्ट्स विल डिपेंड एंड क्लीन फिर वो बहुत सारे तरीके बताता है कि हमको पानी को कंजर्व कैसे करना चाहिए वो बताता है कि जो किसान लोग हैं किसान लोगों को अपने जो खेत होती है खेत के जो मेड़ होती है मेड़ बनाना मेधाबंद मतलब मेड़ बनाना खेत के अंदर मेड़ बनानी चाहिए ताकि पानी रिस्के बाहर ना निकल जाए और डिग स्मॉल पॉइंट्स छोटे छोटे से तालाब जैसे खोदने चाहिए ताकि पानी उसमें भर जाए और जो पुराने कुएं हैं पुराने तालाब हैं उसको और गहरा कराना चाहिए उनकी सफ़ाई करानी चाहिए ऐसा करने से जो बारिश का पानी होगा हम उस बारिश के पानी को बचा सकेंगे देन ही सेज़ दैट गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनी थिंग अलोन सो एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम फिर वो बाद में बोलता है कि अकेले सरकार तो ये सारा काम नहीं कर सकती कि सरकार ने बस ऐड कर दिया लोगों को समझा दिया पेपर में निकाल दी तो लोग इससे जागरूक हो जाएंगे ऐसा तो नहीं है तो उसने ये कहता है मयंक कि अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक कि हम सब लोग इस तरह के कार्यक्रमों के अंदर भाग न लें देन ही एंडेड हिज लेटर विद विद द रिगार्ड्स और उसके बाद क्या करता है वो अपने uh, जो अंकल आंटी उनको रिगार्ड्स देता है उनको विशेष करता है और उसके बाद वो अपने लेटर का फिनिश करता है सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर सेव वाटर एंड सेव लाइफ ये आपके लिए कोई अन नॉन टॉपिक नहीं है ऐसा नहीं कि कोई नया सा टॉपिक है आप सब जानते हैं आपने कई बार रैलियाँ देखी होंगी पानी की अवेयरनेस को लेकर आपने पोस्टर मेकिंग भी किया है पानी को सेव करने के लिए तो ये सारी चीज़ें और आप के लोकेलिटी के अंदर भी लोग पानी की जो स्केरिसिटी उसको फेस करते होंगे तो ये आपके लिए अननॉन टॉपिक नहीं है बहुत ईजी लेसन है सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी टिल देन गुड बाय